नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखो वाल्मीक समय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ के एक सुप्रसिद्ध औषधि, महाऔषधि कह लीजिए, जिसको छत्तीसगढ़ के हर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति लगभग जानता है और पहचानता है। जो जंगली इलाके के गाँव में रहते हैं, जिसके गाँव वहाँ के निवासी इसको अच्छे से जानते हैं और पहचानते हैं, और इसका बहुत पहले से, बहुत पुराने ज़माने से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं और आज भी करते हैं। तो आज के बाद आप भी इसके बारे में जान लीजिए, वो किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इसकी सारी जानकारी देने वाला हूं, जो मैं लोगों से पता कर कर के इकट्ठा कर लिया हूं और जितना मैंने भी खुद करके अनुभव करके देख चुका हूं, उन सभी चीज़ों को आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस पौधे को देख करके पहचान लीजिए। जंगली पौधा है, जंगलों में पाया जाता है, जंगली इलाकों में जो गाँव क्षेत्र में रहते हैं वहाँ गाँव के आसपास भी मिल जाता है। तो आप इसे देख करके अच्छे से पहचान लीजिए। इस पौधे को दोस्तों हमारे क्षेत्रीय आम भाषा में रकत विराज के नाम से जाना जाता है और रकत विराज के नाम से छत्तीसगढ़ में मशहूर भी है। जहाँ भी इसको देखोगे तो आप भी इसे पहचान करके अपने पास ला कर के रख लेना। यह बहुत ही उपयोगी पौधा है और कभी भी इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। और इसको ना दोस्तों, हम लोग हमारे कुछ अलग अलग क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग नाम रहते हैं, तो उसी टाइप का हमारे क्षेत्र में भी इसको कुछ अलग नाम से जानते हैं। तो हमारे क्षेत्र में इसको जीबरंगी के नाम से बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जीबरंगी क्यों बोलते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसको बता देता हूँ। जो पान में कत्था चूना डालकर पान ठेले वाले के पास जब पान बनवाते हो, तो पान चबाते हो, तो मुँह रंगाने के लिए जब आते हो, उसी टाइप का इसको भी अगर इसके पत्ते को, छाल को एक साथ मुंह में रखकर चबाया जाए, तो यह आपको बहुत अच्छा स्वादिष्ट देता है, स्वाद मुंह में ला देता है और मुंह का जो छाला रहता है उसको मिटा देता है और उसकी मुंह की जो स्वाद बिगड़ जाती है ना, उसको भी सुधार देता है। अगर आप इसके पत्ते और छाल को एक साथ चबाते हो मुंह में रख करके, पान की तरह जिस तरह से पान को खाते हो उसी तरह से अगर इसको अगर चबाते रहोगे, तो आपका मुंह की जो भी इन्फेक्शन है, समस्या है, वह ख़त्म हो जाती है और मुंह एकदम फ्रेश लगने लगता है और आपकी जो स्वाद खराब रहती है, स्वाद चखने की जो समस्या रहती है वह भी दूर हो जाती है और मुंह की जो दुर्गंध रहती है वह भी ख़त्म हो जाती है और आपका होंठ एकदम पान जैसा लाल हो जाएगा और पान के जैसा ही आपको अनुभव होगा। आप इसे अगर कहीं मिल जाए तो एक बार इसके पान और छाल को निकाल करके चबा करके ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत अच्छा फील होगा। हमने बचपन में इसको बहुत खाया है और इसका बहुत मज़ा लिया है, क्योंकि यह आज भी उतना ही अच्छा लगता है। हम भी इसे जब भी इसके आसपास आते जाते हैं तो इसके पत्ते और छाल को एक साथ में मुँह में रख करके इसको चबाते रहते हैं, क्योंकि यह बहुत अच्छा लगता है खाने से। आप भी एक बार खा करके ज़रूर देखिए, अगर आपको कहीं मिल जाता है आते जाते तो। तो इसको हम लोग जीबरंगी के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को इस रगत विराज की जड़ी की, पौधे की एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। अगर आप इसका प्रयोग करोगे तो आपको इसका फ़ायदा, जस्ट तुरंत फ़ायदा मिलेगा। तुरंत मतलब आप जब इसका प्रयोग करोगे तो उसके बाद तुरंत इसका फ़ायदा आपको दिखेगा। तो आपका इसका किस फायदे में करना है, चलिए मैं बताता हूँ। जैसे आपको कहीं भी, कभी भी, किसी भी प्रकार का चोट मोट लग जाता है तो आप इसको ला करके रखे रहोगे तो भी यूज़ कर सकते हो, और नहीं ला करके रखे हो, गांव के हो, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, तो इसको पहचान के रखे रहोगे, आसपास में होगा तो ला करके तुरंत उपयोग कर सकते हो। तो आप इसके छाल को या पत्तियों को कूट पीस करके, यदि कच्चा है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, यदि सूखा है तो उसको पाउडर करके रख लीजिए। जैसे उसका पाउडर करके रखे रहोगे सूखे को, चूर्ण बना करके किसी डिब्बे में, तो इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हो कभी भी। तो चोट मोट जहाँ भी लगता है तो वहाँ पर यदि लगा देते हो तो लगाते ही आपको वहाँ से खून बहना तुरंत बंद हो जाएगा। जो खून बहता रहता है, अगर किसी का नस भी फट गया है, नस फट गया है तो वहाँ पर लगा देते हो तो नस तुरंत मतलब ब्लॉक कर देता है नसों को और खून बहना बंद हो जाता है पूरी तरह से। वहाँ पे जो दर्द रहता है उससे आपको राहत मिल जाता है और यह बहुत ही अच्छा दवा है दोस्तों। इस जख्म को, किसी भी प्रकार के जख्म को शांत करने के लिए, उसके दर्द को मिटाने के लिए और उसके खून बह रहा है उसको रोकने के लिए, इसलिए शायद इसको रक्त विराज कहा जाता है।
तो यह खून को रोकने के लिए और जलन दर्द को शांत करने के लिए नंबर वन की औषधि है। आप इसे पहचान के रख लीजिए, आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो आप इसे ध्यानपूर्वक देख करके अच्छे से पहचान लीजिए और देख छोटे छोटे और ये देख रहे हो छोटे छोटे दाने दाने, ये इसका फल है, इसका वृक्ष किसी ने तोड़ दिया है। तो आप इसमें सूखा हुआ फल देख पा रहे हैं, अगर लगा रहता तो मैं कच्चा दिखाता, खैर कच्चा भी है, एक दो दिन हो रहा है इसको, किसी ने काट दिया है और इसलिए मैं इसका छोटा छोटा जो दाना दिख रहा है उस फल को दिखा रहा हूँ सूखा वाला। तो आप इसे छोटे छोटे इसका फल जो रहता है उसको भी देख करके पहचान लीजिए, इस तरह से दिखाई देता है। और आप इसे पहचान करके इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए दोस्तों, यह बहुत ही उपयोगी पौधा है और आपके सारी मुंह की समस्या जो रहती है, मुंह में छाले रहते हैं, दुर्गंध रहती है, उस सब को दूर भगाइए और अपनी जो भी कटे जले का निशान रहता है उसको भी यदि आप लेप करते हैं तो वह भी मिट जाता है। यानी कि यह मतलब त्वचा संबंधित सभी रोगों को लगभग लगभग दूर कर देता है। घाव के लिए भी यह बहुत ही अद्भुत है, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते। घाव के लिए यदि आप इसका चूर्ण खाते हो डेली और इसका लेप करते हो तो बहुत जल्द आराम मिल जाता है। इससे इस प्रयोग को करने से आपको जो महीनों दिन तक घाव ठीक ना होने वाला हो वह कुछ हफ्तों में ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से प्रयोग करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसका और फ़ायदा लेते हैं। तो आप भी आज के बाद इसे पहचान लीजिए और अच्छे से इसका प्रयोग कीजिए और खुश रहिए दोस्तों। तो आज की वीडियो की जानकारी दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल में यदि नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।